की शादी? डर गई। इस बार तुमने आहिस्ता बोला था। नहीं नहीं, शक्ल देखो शीशे में, पीली पड़ गई हो। मैं क्या करूं अम्मी, आप तो जानते हैं ना कि जरा सी भी आहट हो तो मेरा दिल दहल जाता है। बेटा जी, ऐसी कोई चीज है जिससे आपका दिल नहीं दहलता? अंधेरे से आपको डर है, अचानक आ जाने से आप खौफजदा हो जाती हैं, और अगर बिजली कड़के तो जान निकल जाती है ना? मैं क्या करूं, ये सब नेचुरल है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। तो कंट्रोल करना सीखो, अपनी गलतियों को अभी से सुधार लो। जिंदगी की सच्चाई बहुत कड़वी है, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। चले जाएंगे तो तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? मम्मी, आप क्यों हर वक्त इस तरह की बातें करती हैं? आपको कितनी बार मना किया, इस तरह की बातें मत किया करें। आपको और बाबा जान को मेरी भी उम्र लग जाए। प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। लेकिन जो तुम्हारे बाबा जान है ना, उनके कारनामों से मुझे नहीं लगता। क्यों, अब क्या किया बाबा जान ने? क्या किया? तुम्हारा शादी का कार्ड लेकर हवेली पहुंच गए। क्या बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? नहीं बेटा, कर चुके हैं। अब तक तो हवेली में कयामत बर्पा हो चुकी होगी। वजाहत अली की इतनी जुर्रत कि उसने अपनी बेटी की शादी का बुलावा भेजा है। पता नहीं क्यों ये मुसलसल हमारा सब्र आजमा रहा है, और अगर किसी दिन हमारा सब्र जवाब दे गया तो ये सब आपकी गलती है। ना आप उसकी खता माफ करते, ना उसकी इतनी हिम्मत होती। इस घर से कोई शादी में शरीक नहीं होगा। ये कार्ड डस्टबिन में फेंकवा दो। बड़े साहब, वजाहत साहब आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कह दो उससे, हम किसी से नहीं मिलना चाहते। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, बोलो कि अब्बा जी आ रहे हैं। जी अच्छा। जब हम उससे मिलना नहीं चाहते सफिया, तुमने ड्राइंग रूम में क्यों बिठा दिया? अब्बा जी, बेटी की शादी है, जाहिर है मदद लेने आया होगा, और आप तो वैसे ही सदका खैरात करते रहते हैं। अच्छा
या पता करवाएं आ जाएगा कहीं काम से किसी कमाल ये लड़का कहाँ गायब हो गया बारात लेट हो जाएगी अब्बा जी उनके किसी दोस्त का फोन आ गया था काफी परेशान लग रहे थे वजाहत दोस्त का फोन वो भी शादी के दिन उसकी अपनी शादी के दिन चचा जान वहाँ सारा खानदान इंतजार कर रहा होगा निसार बेटा फिक्र न करो इंशाल्लाह बारात वक्त पे पहुँच जाएगी अगर बारात वक्त पे नहीं पहुँची तो ताने तो मुझे सुनने को मिलेंगे ना फिक्र न करो आज आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे वो आ गया वजाहत पूछें उससे कहाँ था ये कहाँ एकदम मैं माजरा चाहता हूँ अब्बा जान लेकिन मैं मजबूर था मजबूर ये लड़की कौन है मैंने शादी कर लिया अब्बा जान अरे ये जरूरत मेरी एक बात सुन ले उसके बाद आपने जो कहना अब कहने सुनने की गुंजाइश खत्म हो गई है तुमने मेरे मुंह पे कालक बल दी है अब्बा जान मैं मजबूर था पर आपकी इज्जत पर तो जान कुर्बान है वजाहत ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपनी बहन का भी कोई एहसास नहीं हुआ तो मैं क्या करता आज अगर मैं खदीजा से शादी ना करता तो इसकी शादी कहीं और कर दी जाती तो तुमने अपनी मजबूरी में मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी अब हम खानदान में क्या मुंह दिखाएंगे मैं अब ससुराल में किस मुंह से जाऊंगी मैं तो तुम्हारी बारात लेने आई थी वजाहत तुमने हमारा तमाशा बनाकर अच्छा नहीं किया तुम परेशान नहीं हो निसार बेटा बारात जाएगी और जरूर जाएगी नहीं चाचा जान कैसे फिक्र ना करूं इसने जो करना था वो कर लिया अब मजीद बेवकूफ बनने की गुंजाइश जरा बराबर बाकी नहीं रही निसार भाई मेरी एक बात सुन ले उसके पास जो कहना है कहना अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है निसार इसकी सजा तो मैं इसको दूंगा बस एक बार नहीं चाचा जान बस जिस तरह इसने मेरी बहन का घर बर्बाद किया है मैं इसकी बहन और आपकी बेटी का घर बर्बाद करूंगा इसमें मेरा क्या कसूर है निसार तो इसमें मेरी बहन का क्या कसूर था सर इतनी बड़ी सजा मुझे मत दे हमारी एक बेटी भी है तो इस बात का एहसास तुम्हारे भाई को भी होना चाहिए था मैं निसार अहमद अपने होश और हवास में सबके सामने इसे तलाक देता हूं तलाक देता हूं तलाक देता हूं अब संभालो अपनी बहन को निसार 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 अब्बा जी क्या कर रहे हैं आप कहो इसे कहो अपना मुंह गुम करे यहां से अब इसका मुझसे इस खानदान से इस हवेली से इस जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं रहा मर गए मेरे लिए आपने बाबा जान को रोका क्यों नहीं मुझे कुछ पता होता तो मैं रोकती ना बेटा हवेली पहुंचकर मुझे इत्तला दी कि मैं अब्बा जान को मनाने के लिए आया हूं दादा जान को मनाने की कोशिश वो पिछले 20 साल से कर रहे हैं जब वो इतने सालों में नहीं माने तो फिर अब क्यों मानेंगे मैं क्या कह सकती हूँ मैं तो खुद तुम्हारे अब्बा की मुजरिम हूं ना करते मुझसे शादी अब्बा जान की नफरत और गुस्से का निशाना कभी ना बनते बाबा जान का अपनी पसंद से शादी करना उनका अपना हक है
इसमें ना उनकी गलती है और ना ही आपकी। तो तुम जानती हो ना, हवेली वालों को कौन समझाएगा? बहुत बुरा किया उन्होंने तुम्हारे अब्बा के साथ, किसी नासूर की तरह जिस्म से काट के फेंक दिया। तो फिर अब क्या खुशफहमी है बाबा को, जब हम सभी जानते हैं कि हवेली वाले हमसे नफरत करते हैं, शदीद नफरत। तुम्हारे बाबा जान की ये ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश है कि रोशनी की रुखसती आपकी दुआओं के साए में हो। अगर आप उसकी शादी में आएंगे तो तुम्हें जरूरत कैसे हुई ये बात करने की? क्या रिश्ता है उस लड़की का हमसे? ऐसा ना कहे अब्बा जान, पोती है आपकी। जब हम उसके बाप को अपना बेटा नहीं मानते, वो हमारी पोती कैसे हो गई? कब तक नाराज रहेंगे यूं मुझसे? जब तक हम ये नहीं भूल जाते कि हमारी बेटी को जवानी में तलाक का दाग लग गया, जब तक हम ये नहीं भूल जाते कि पूरे खानदान में हमारी किस कदर बेइज्जती हुई थी। मानता हूं गलती मेरी थी, जज्बात में आ गया था। ये देख रहे हो, ये मेरी बेटी है, जवानी में ही जिसके माथे पे तलाक का दाग लग गया था। ये माँ है उस बेटी की जो बाप के बगैर ननिहाल में रहने पे मजबूर है। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी दुआओं के साए में रुखसत करूं? छोड़े ना अब्बा जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसे तो पहले एहसास नहीं था, तो अब क्या होगा? मुझे एहसास है अब्बा जान, मानता हूं मेरी वजह से आपका घर तबाह हुआ, लेकिन तुम इतने खुदगर्ज़ हो गए वजाहत अली अपनी खुशियों में, ना तुम्हें अपने खानदान की इज्जत का एहसास रहा ना ही मेरा। माफ कर दे मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप अपना जर्फ वसी कर ले, मुझे माफ कर दे खुदा के वास्ते। आज अपनी बेटी की बारी आई तो हाथ जोड़ने लग गए। मैं भी तो किसी की बेटी थी, उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया। जाओ यार, चले जाओ, चले जाओ। तुमने हमारे जर्फ हमारी बर्दाश्त से बहुत बढ़ के मांग लिया है। जाओ। नमाज पढ़ी मैंने ईद की, बस मेरा दिल चाह गया मैं अपने भाई से जाकर। ईद के मौके पर तो मैं भी बहुत याद कर रहा था। अरे भाई रोशनी, अब्बा जान बाजी कैसे? बस सब ठीक है माशाल्लाह, लेकिन जानते हो तुम उनकी तबीयत, वो आसानी से भूलने वाले तो है नहीं। गलती भी तो मेरी है, इतनी आसानी से माफ तो नहीं होगी। कोई बात नहीं यार, कोशिश करते रहना, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ होगा।
वाओ, ये कितनी प्यारी बोट है, कहाँ से ली? ये हम समंदर पे कुछ भी बना रहे थे, पापा ने लेकर दी था। चाचा जान दोबारा जाए तो मेरे लिए भी लेके आना। तुम्हें अच्छा लगा तो तुम भी रख लो। लेकिन ये तो तुम्हारा है ना? तो क्या हुआ, हम तुम्हें कोई फर्क थोड़ी है, हम दोनों दोस्त हैं। हेलो। जख्म तो तुमने लगा ही दिया था, शादी का कार्ड भेज के नमक जरूर छिड़कना था। तवक्को तो मुझे भी आपसे इतनी बुजदिली की नहीं थी रायान। मैंने तुमसे कुछ वक्त मांगा था रोशनी, कुछ वक्त। मैं वो तारीख दोहराने से डरती। वक्त बदल गया है, मैं सब कुछ ठीक कर देता इस दफा। वक्त हमेशा एक सा ही रहता है रायान, बस लोगों की सोच बदल जाती है। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि बड़ी हवेली के लोगों की ना सोच बदली और ना ही ज़र्फ। वो आज तक मेरी माँ को कबूल नहीं कर सके तो फिर मुझे कैसे करेंगे? तुम तो रोशनी थी, फिर मेरी जिंदगी में अंधेरे क्यों कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है, आई कांट लिव विदाउट यू। कम से कम मेरा नहीं, हमारी मोहब्बत का ही ख्याल कर लेती। रायान प्लीज, अपने पापा का सर झुकाकर मैं अपनी खुशी का सामान नहीं कर सकती। मेरे पापा जान की इज्जत के लिए मेरी खुशी तो क्या, मेरी जान तक कुर्बान है। तो फिर एक काम करो, जहर दे दो मुझे, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए देख सकूं। रायान प्लीज, मायूसी की बातें मत करें। सब्र करने वालों के लिए इनाम है। नहीं करना मुझे ऐसा सब्र, जिसका इनाम तुमसे दूरी हो। प्लीज रोशनी, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। ये देखो अभी भी वक्त है, प्लीज प्लीज तुम मान जाओ, मैं सबसे टकराने के लिए तैयार हूँ। रायान अम्मी बुला रही, मुझे जाना है। रोशनी प्लीज, कुछ नहीं सुनना, कोई बात रह ही नहीं गई करने के लिए। जो भी बात थी मैंने आपको सारी हकीकत सारी सच्चाई सब बता दी। प्लीज मुझसे इस तरीके की बातें करके तुम उसका मेरा रास्ता खोटा मत करें। खुदा हाफिज। रोशनी इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे जान, मेरी ख्वाहिश है कि रोशनी की रुख्सती आपकी दुआओं के साए में हो।
अगर आप उसकी शादी में आएंगे तो तुम्हें जरूरत कैसी हुई ये बात करने की? क्या रिश्ता है उस लड़की का हमसे? खुदा के लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे, हमारी एक बेटी भी है। तो इस बात का एहसास तुम्हारे भाई को भी होना चाहिए था। मैं निसार अहमद अपने होश हवास में सबके सामने इसे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। संभालो मेरी बहन को। निसार, 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 मेरी बात सुन। निसार, निसार, पापा जी। तो आ गए आप एक बार फिर इज्जत अफजाई करवा कर। तुमसे किसने कहा मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ है? आपके चेहरे पर फैलती मायूसी ने वजाहत हजार बार कहा है। वो लोग हमसे नहीं मिलना चाहते, वहां जाते क्यों हैं? क्या करूं, बाप है मेरा, कैसे रुख्सत कर दूं अपनी बेटी को उनके बगैर? और अगर वो ना आए तो? आखिरी दिन तक कोशिश करूंगा। तो फिर जाया कर रहे हैं आप अपना वक्त, ये ख्याल आप अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देते? निकाल दूंगा रोशनी की शादी के बाद। वजाहत, क्यों बार बार अपने आप को अजियत देते हैं? एक बार दिल से समझौता कर ले। मैं बहुत कम हिम्मत शख्स हूं खदीजा, ससुराल में भी तुम्हें जायज मकाम नहीं दिला सका। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बजा है। मुझे आपसे कोई गिला ना हो अगर आप अपनी जिद छोड़ दें। मेरी ख्वाहिश को जिद मत समझो। अगर बाबा जान रोशनी की शादी में आ जाते हैं तो मेरे सारे दुखों का अजाला हो जाएगा, समझो। और अगर यही ख्वाहिश आपके दुखों में इजाफा करे तो? मेरी बात को समझें, खुदा के वास्ते आंखें खोले वजाहत। साहब आ गए? मुझे गाड़ी नहीं देखी, शायद अभी नहीं आया। अभी तक नहीं आया? आप ऐसा करें मेरा फोन ला दें मुझे, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सबका पता ही नहीं। मैं फोन लेकर आती हूँ। रानिया, ये क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं मामा, चाइनीज बना रही हूँ। अरे बेटा, ये काम तो नसरीन का है, तुम क्यों कर रही हो? स्किन खराब हो जाएगी बेटा। कुछ नहीं होगा मेरी स्किन को, और वैसे भी अब तो सारा काम हो गया। अच्छा जाओ जाके शावर लो, क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने। मामा, ये सारे काम मैं मुलाजमों पे तो नहीं छोड़ सकती ना, वो तो बने बनाए काम को बिगाड़ देते। वैसे बाय द वे, ये किसके लिए बन रहा है? रायान के लिए। अच्छा, उसने खुद कहा है? मुमानी जान से कह रहा था, आई एम श्योर उसे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मेरी बेटी इतने प्यार से बना रही है। अच्छा वो नूरा आए ना तो उसको कहना कि चाय अब्बा जी के कमरे में लेकर आ जाए, मैं उन्हीं के कमरे में जा रही हूँ। ओके, और तुम शावर जरूर ले लेना। हाँ
ओके मामा। तो भाई अब्बा जी, कमरे में इतना अंधेरा हो रहा है और आप सुकून से बैठे हुए? मैं कुछ देर यूं ही अंधेरे में तन्हा रहना चाहता हूँ। अंधेरे में तो आप पिछले 20 साल से थे अब्बा जी, अब तो रोशनी में आने का वक्त हो गया है। आंखें खोल लीजिए। तुमने वजाहत अली की जुर्रत देखी? किस दीदा दलेरी से वो इतनी बड़ी बात कर गया? ये जुर्रत भी तो आपने दी है अब्बा जी। बहुत पहले अगर उसे रोक दिया होता तो आज वो इतनी बड़ी बात करके ना जाता। तुम जानती हो मैंने उसे माफ नहीं किया, मैं अभी कुछ भूला नहीं हूँ। लेकिन कभी आपने बदले का भी तो नहीं सोचा अब्बा जी? क्या कह रही हो? मतलब ये के अब शतरंज की सारे बिसात के मोरे आपके हाथ में है अब्बा जी। आप चाहें तो अपनी मर्जी से खेल सकते हैं। क्या करूं मैं? वजाहत अली को माफ कर दे। जब हम उसके बाप को अपना बेटा नहीं मानते, वो हमारी पोती कैसे हो गई? चले जाओ, तुमने हमारे जर्फ हमारी बर्दाश्त से बहुत बढ़ के मांग दिया है। क्या कह रही हो सफिया? जानती हो ये हमारे बस की बात नहीं है। नामुमकिन भी नहीं है अब्बा जी। 20 साल बहुत होते हैं नाराजगी के लिए। अब गुस्सा भूल जाइए। जानती हो उसे माफ करने का मतलब क्या है? उसकी बीवी और बेटी को तस्लीम कर देना, जो मेरी जिंदगी में मुमकिन नहीं है। आप कबूल करें या ना करें, लेकिन वो हमेशा कहलाएगी आप ही की पोती। और वैसे भी अब्बा जी, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि हशमत अली ने अपना जर्व बड़ा ही नहीं किया? लोग जो जी चाहे कहें, हमने जिंदगी हमेशा अपने उसूलों के मुताबिक गुजारी है। फिर भी अब्बा जी, दुनियादारी तो रखनी पड़ती है ना। हमें हमारा फैसला बदलने के लिए कह रही हूँ समझा? मैं आपको मजबूर नहीं कर रही अब्बा जी। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि आप ये ना कहें कि आप मेरी वजह से दबाव में आ गए थे और आप अपनी पोती की शादी में नहीं गए, मुझ पे ये इल्जाम ना आए। जानती हो हशमत अली खान अपने फैसले बदला नहीं करता। ये मामला तो आपके लाडले बेटे का है अब्बा जी। मेरा ख्याल है आप तो उसे कब का गले लगा चुके होते हैं। बस मेरी वजह से आप उसे माफ नहीं कर रहे। गलत सोच रहे हो तुम। वो मेरे लिए 20 साल पहले मर चुका है। लेकिन अब्बा जी, बस कह दिया ना, अब तो उसे एहसास दिलाने का वक्त है। उसे पता चलना चाहिए कि उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। जी अब्बा जी।
आधे घंटे का बोल के गए थे। खुद को तलाश कर रहा हूँ शायद, लेकिन मजीद गुम होता जा रहा हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छा सुनो, प्लीज मेरा वेट मत करना, मैं थोड़ा देर से आऊंगा। कहाँ हो तुम, सब ठीक तो है ना? पता नहीं यार, मुझे खुद नहीं पता, शायद जिंदगी ने थका दिया मुझे। ठीक नहीं हो तुम, मुझे बताओ कहाँ हो, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज मत आना मत आना, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा ओके, आ जाऊंगा ना, कह दिया है। प्लीज घर में किसी को मत बताना, ओके? हाँ। अचानक रायान को क्या हो गया, तुम पूछी पूछी बातें क्यों कर रहा था? जारी जिसने रमज इश्क दी, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहा है? नहीं, परेशान तो नहीं, उदास हूं। उदास क्यों? सोच रहा हूं कि तुम जब इस घर से चली जाओगी तो ये घर कितना वीरान और उदास हो जाएगा तुम्हारे बगैर। बात सिर्फ इतनी सी तो नहीं, आपको तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता। बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो तुम, मेरा चेहरा पढ़ लेती है वो भी, है ना? इधर बैठे और मुझे बताएं कि परेशानी क्या है। जब आप जानते हैं कि आप हमसे कुछ नहीं छुपा सकते तो फिर ऐसी कोशिशें क्यों करते हैं? अच्छा बाबा, अब नहीं करूंगा ऐसी कोशिश। गुड, तो बताइए क्या परेशानी है? मैं आज तुम्हारे दादा जान के पास गया था अपनी एक दरख्वास्त लेकर। मेरी ख्वाहिश है कि वो अपने हाथों से तुम्हारी रुखसती करें। अब तुम ही बताओ, क्या मेरी ख्वाहिश गलत है? नहीं। मैं जानता हूं कि मैंने बाबा जान को बहुत दुख दिया, लेकिन मैं तो उनका सबसे लाडला बेटा था। ये भी जानता हूं कि मेरा जुर्म नाकाबिले माफी है, फिर भी यही चाहता हूं कि वो तुम्हारी शादी में आए तो मैं अपने हाथों से रुखसत करें। मैं नहीं चाहता कि कल को तुमसे कोई सवाल करे कि तुम्हारी शादी में तुम्हारा बाप अकेला क्यों खड़ा था। बाबा जान, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे पड़ता है, तुम इसे मेरी ख्वाहिश समझ लो। लेकिन बाबा जान को जो दुख मैंने दिए हैं, मैं उनका अजाला करना चाहता हूं। अब तुम्हारी मां को कौन समझाए, तुम खुद ही बताओ। अपने बाप से माफी मांगना क्या कोई जुर्म है? कोई जुर्म नहीं। अच्छा आप फिक्र मत करें, अम्मी से मैं बात कर लूंगी, बस आप परेशान मत हो। जीती रहो, खुदा तुम्हारे दामन को खुशियों से भर दे। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि एक बार वो तुम्हारी रुखसती में आ जाए, फिर बेशक मुझसे कोई ताल्लुक ना रखे, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा।
दादाजान जरूर आएंगे, मुझे पूरा यकीन है।